नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi 14 5G वर्सेस Xiaomi 14 Civi 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Xiaomi 14 5G में 6.02 इंच जबकि 14 Civi में 6.19 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Xiaomi 14 5G में 2.81 इंच जबकि 14 Civi में 2.86 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Xiaomi 14 5G में 0.32 इंच जबकि 14 Civi में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Xiaomi 14 5G में 193 ग्राम्स जबकि 14 Civi में 179.3 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Xiaomi 14 5G में LTPO AMOLED जबकि 14 Civi में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Xiaomi 14 5G में 6.36 इंचेस जबकि 14 Civi में 6.55 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Xiaomi 14 5G में 1200x2670px FHD+ और 14 Civi में 1236x2750px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Xiaomi 14 5G में 89.39% जबकि 14 Civi में 90.55% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 460 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Xiaomi 14 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और 14 Civi की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Xiaomi 14 5G में 19 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 14 Civi की बात करें तो उसमें 15 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Xiaomi 14 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 14 Civi में डुअल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Xiaomi 14 5G में Adreno 750 जबकि 14 Civi में Adreno 735 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Xiaomi 14 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और 14 Civi में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो Xiaomi 14 5G में 12GB की RAM मिलती है जबकि 14 Civi में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Xiaomi 14 5G में 512GB की स्टोरेज मिलती है जबकि 14 Civi में 2 विकल्प देखने को मिलता है जिसमें 256GB 512GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Xiaomi 14 5G में 4610 mAh जबकि 14 Civi में 4700 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
Xiaomi 14 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 45,890 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 14 GB की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस, 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 47,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi 14 5G में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Xiaomi 14 5G की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V30 5G है, दूसरा Vivo V30 Pro 5G है, तीसरा Samsung Galaxy S24 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Google Pixel 8a 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।